उस दिन हम गए उससे मिलने, तो बेचारा दूर से ही कह रहा है सर पास मत आइएगा आपको भी हो जाएगा। ये इस टीचर के लिए इससे खराब दिन क्या हो सकता है कि उसकी गाड़ी में उसके स्टूडेंट की लाश जाए, जिसको हम पढ़ाए थे, उसका रिजल्ट हो गया था, मेरिट का इंतजार कर रहा था। 24 मार्च के बाद कोई क्लास नहीं हुआ है, हम इन्फेक्टेड हो गए थे कोरोना वालों के बीच में। घूमते 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 एक बेचारा क्लास का स्टूडेंट था बेचारा, मेरे सामने उसका डेथ हुआ। मेरा मतलब 10 दिन तक कुछ मूडे नहीं किया। आप देखे होंगे अप्रैल में जो वीडियोज आए होंगे यूट्यूब पे ना, 20-20 दिन गैप करके आए होंगे। मतलब वो बेचारा पटना में आया था, उसके मम्मी पापा भी लेके आए थे उसको, उसको सीरियस बहुत हो गया था, तो उसको लास्ट में ऑक्सीजन के बाद वेंटिलेटर सब चीज लेके गए वहां पे। लास्ट दिन वो क्या बोला हमसे, हम जब ऐसे तो डॉक्टर वगैरह को मिलते थे, उस दिन हम गए उससे मिलने, तो बेचारा दूर से ही कह रहा है सर पास मत आइएगा आपको भी हो जाएगा, ये उसका लास्ट वर्ड था। उसके मतलब मुश्किल से 3 या 4 घंटे बाद बेचारा डेथ कर गया। मेरा 10-15 दिन तक मतलब ना, ना मतलब पढ़ाई से एकदम एलर्जी हो गया था। मतलब जब देखते थे तो अजीब लगता था यार, कम से कम ये दिन के लिए तो हम सपने भी नहीं सोचे थे। पटना में तो डॉक्टर लोग हमको फोन कर रहा था, इसलिए हम मतलब क्या बताएं कि सर हमको मेरा बहुत जान पहचान का इसको कहीं बेड दिला। हम कहे भाई आप लोग से ज्यादा पहुंच थोड़ी है मेरा मेडिकल में। हम कहते नहीं नहीं सर आपका बतिया का अलग बात है, क्या बताएं यार आपको, इसीलिए नहीं क्लास ले रहे थे यार। मेरे साथ क्या आपके साथ भी ऐसा होगा ना, आपको समझ में मतलब कभी कभी अजीब लगने लगा था। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा एहसास हुआ कि हमको, हम कई बार क्लास लेने आए, स्टार्ट किए, साला स्लाइड बना दिए, उसके बाद रहने दिए, नहीं 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 पढ़ा रहे, ऐसा कई बार हुआ यार। अपनी गाड़ी से सोचिए इस टीचर के लिए इससे खराब दिन क्या हो सकता है कि उसकी गाड़ी में उसके स्टूडेंट की लाश जाए, इससे खराब दिन एक टीचर के लिए दुनिया में हो ही नहीं सकता है। जिसको हम पढ़ाए थे उसका रिजल्ट हो गया था, मेरिट का इंतजार कर रहा था, 2-3 चीज में रिजल्ट हुआ था। बहुत पुराना स्टूडेंट था मेरा, वो कहता था कि सर मेरा रिजल्ट वाका नहीं होता, उसको बोलते थे एक के बार होगा तो 3-4 गो में होगा, टेंशन मत ले, बड़ा खुश था बेचारा। लेकिन कभी कभी लगता है कि भगवान बहुत निर्दयी थे। खैर छोड़िए ये सब बात, मूड पे आएगा फिर क्लास लेने का मन ना करे। अब क्लास आपका नागा नहीं होंगे, आपका हम रिकवर करा देंगे बाबू। देखिए हमारी भी मजबूरी थी, इतना ना कोरोना पेशेंट देख लिए थे, मन अजीब हो गया, सबको दिलाना भी जरूरी है, सब एकदम घट जाएगा। जब पेशेंट एकदम लास्ट पोजीशन पे आ जाता था तब लड़का हमसे कहता था सर वेंटिलेटर दिला दीजिए, रेमडेसिविर दिला दीजिए, ये दिला दीजिए। सोचो हमारा तो डॉक्टर कह रहा था सबकी खान सर कुछ रेमडेसिविर का इंतजाम हो जाएगा, कुछ 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 दे रहे थे, इसलिए आपका क्लास नहीं ले पा रहे। इसी बीच में हम भी इन्फेक्टेड हो गए, तो खुद को आइसोलेशन में डालना पड़ जाता है ना। आप अपना ऑक्सीजन लेवल फिलहाल नाप के रखिए, अभी हम रिस्क के बाहर हैं। देखिए ये ऑक्सीमीटर है, हम दिखा देते हैं आपको अपना ऑक्सीजन लेवल। देखिए अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 है, दिख रहा, अभी ये मेरा ऑक्सीजन लेवल है 97, 98 हो गया, ठीक है, अभी ठीक ठाक है हम, अभी अभी ठीक हो गया। तो हमेशा पासे में रखना पड़ता है,